एशिया कप की मेजबानी पर चेयरमैन पीसीबी नजम सिटी की धमकी काम कर गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को साफ साफ कह दिया था कि एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा, नहीं तो बाहर भी नहीं होगा। और इंडियन टीम अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आती तो ना आए, पाकिस्तान भी फिर वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा। जिसके बाद बीसीसीआई ने पीसीबी के सामने हथियार डाल दिए। बीसीसीआई पीसीबी की मिन्नत समाजत करने लगा, कहा कि एशिया कप अब पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, उन्हें कोई मसला नहीं। और इसके साथ बीसीसीआई ने एशिया कप में शिरकत के लिए पीसीबी को एक नई तजवीज भी दे दी। आखिर ये तजवीज क्या है? क्या पीसीबी ने बीसीसीआई की नई तजवीज मान ली है या नहीं? चेयरमैन पीसीबी नजम सिटी ने जय शाह को एशिया कप पर क्या कहा? अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाती तो इंडिया को कितना नुकसान होगा? क्या इंडियन टीम पाकिस्तानी मैदानों में खेलते हुए नजर आएगी या नहीं, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एशिया कप का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला न हो सका अभी तक। बीसीसीआई के मुसलसल इनकार के बाद पीसीबी ने बायकॉट की धमकी लगा दी तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी बैकफुट पर चला गया और बीच का रास्ता निकालने के लिए पीसीबी को एक नई और बड़ी तजवीज दे दी। बीसीसीआई ने पीसीबी को कह दी कि हम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। हाँ, एक और काम कर सकते हैं, तुम यूएई आ जाओ, यानी हमारे जो मैचेस है वो यूएई में होंगे, बाकी एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान के पास है और हमें इस पर कोई मसला नहीं। अब इस सजेशन के बाद दोनों बोर्ड्स के दरमियान बर्फ पिघलेगी या नहीं, इसका पता तो अप्रैल में चलेगा क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगला इजलास अप्रैल में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि एशिया कप कैंसिल ना हो क्योंकि उस सूरत में फिर नजम सिटी ने भी पाकिस्तान टीम को इंडिया भेजने से इनकार कर दिया है तो फिर इंडिया को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अब पैसा हाथ से जाते हुए देखकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी पीसीबी की मिन्नत समाजत करने लगा। जी नाजरीन, आपको बीसीसीआई की ये तजवीज़ कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।